हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, आज हम लोग बेसिकली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी मेटल को सबसे ज़्यादा हम लोग को देखा, इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर था, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो पत्थर वत्थर होते थे उसको अलग कर देते थे। उसके बाद हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे गाइस, जो मेटल है उसमें जो सल्फाइड कार्बोनेट की जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करते थे। लास्ट जो बच जाता है गाइस, उसमें जनरली 99% जो होता है हमारा प्योर मेटल मिलता है, लेकिन 1% अभी भी क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म, इसमें इम्प्योरिटीज़ जुड़ी होती है। इस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए जनरली हम लोग बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस कौन कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। सो द मेटल ऑब्टेंड फॉर द रिडक्शन हैव द सेवरल इम्प्योरिटीज एंड नोन एज द इम्प्योर मेटल। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल इज नॉन एज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इट इज कैरिड आउट द बाय द फ्लोइंग टू मैथड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फिजिकल मैथड्स। ओके, फिजिकली जो मैथड यूज होता है इसमें, द टू मेन फिजिकल टेक्निक्स फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स आर रिप्यूफिकेशन एंड जॉन रिफ्लेक्शन, जॉन रिफाइनिंग, ओके, ऑल्सो नॉन एज द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फर्स्ट जो है गाइस वो है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में जनरली होता क्या है गाइस, कि इसमें हम लोग बेसिकली बहुत जल्दी जो पिघलने वाले, बहुत जल्दी मेल्ट होने वाले जो सब्सटेंस है गाइस, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, हमारा जैसे कि गोल्ड है, टीन है, ठीक है, सॉरी लेड है और टीन है, इन दोनों को या फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। ओके, इनको एक ऐसे सरफेस पे जहाँ पे ढलान होती है, ठीक है, ऐसा एक सरफेस होती है यहाँ पे, इसको जनरली गाइस हम लोग एक फर्नी है, ठीक है, इस फर्नी में यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर, स्लॉपिंग फर्नी बोलते हैं, स्लॉपिंग हर्थ इन अ फर्नी। तो ऐसे फर्नी पे रखा जाता है, यहाँ से उसको अच्छे से हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि यहाँ पे जो प्योर फॉर्म होता है वो मेल्ट होके यहाँ से बह जाती है। ओके, और जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे होती है, जो भी होगा वो यहीं पे रुका रहता है गाइस। तो यहाँ से बेसिकली हमको क्या होता है, 99.9% प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। नेक्स्ट जो है गाइस वो है जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब इसमें होता क्या है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जैसे कि गाइस देखो, मैक्सिमम ऐसे मेटल्स मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, अगर किसी भी मेटल्स में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है या इम्प्योरिटीज़ होती है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ठीक है, लो हो जाती है, यानी वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, पिघल सकते हैं। ऐसे कंडीशन पे बेस्ड है गाइस हमारा जोन रिफाइनिंग का प्रोसेस। यहाँ पे जो इम्प्योर जो हमारा क्या है मेटल्स होता है, जो इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको, उसका एक रॉड बना दिया जाता है, ठीक है, और इस रॉड को एक सर्कुलर हीटर के अंदर से उसको क्रॉस किया जाता है, गुजारा जाता है। अब इसमें प्रोसेस क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 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 कि ये वाला सिरा फर्स्ट पॉइंट था इसका, तो फर्स्ट पॉइंट जो है गाइस, इस फर्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या करते थे, इसको इंटर कराते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको इंटर कराते हैं तो जो प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, प्योर मेटल होता है, वो जनरली मेल्ट होके निकल जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वहीं पे सॉलिड फेस में रुक जाती है। अब इसको निकालते जाओगे इम्प्योरिटीज़ जो होगी मेल्ट होके निकल जाती है, सॉरी उसकी प्योर फॉर्म, और इम्प्योरिटीज़ यहीं पे सॉलिड स्टेट में रॉड बन के रह जाती है। ओके, ये प्रोसेस बार बार करने पर बहुत ही ज़्यादा प्योर आपको मेटल प्रोवाइड होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेकंड स्टेप मेथड, दैट इज़ केमिकल मेथड। अब इस केमिकल मेथड में होता क्या है गाइस वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप जनरली इसको देखो, ठीक, ये जो है गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ मेटल्स का जनरली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड से भी प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं प्योर, जो हम लोग को मेटल अगर चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिंग के लिए। अब इसमें हुआ क्या गाइस, क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, याद रखना। और ये इसका ज़्यादातर हम यूज़ जो करता है क्रोमियम, निकल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स के लिए करते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्योर फॉर्म होता है गाइस, ठीक है, प्योर जो भी होगा, प्योर सब्सटेंस, उस प्योर सब्सटेंस का एक मेटल लेते हैं, यानी कि उसी का होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। जैसे अब सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये जो है ये कॉपर के लिए लिया है, ठीक है, तो कॉपर के साथ बता रहा हूँ।
जैसे कोई इम्प्योरिटीज वाला कॉपर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, तो उसका एक मोटा सा हम लोग क्या करते हैं, ठीक इलेक्ट्रोड बना के, ठीक है, एक ठीक इलेक्ट्रोड बना दिए और एक ठीक इलेक्ट्रोड बना के उसको दे देते हैं गाइस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जैसे ये पहले ठीक था, ठीक है, ये जो है पहले मोटा रहा होगा, ठीक ऐसा, ठीक है, ठीक वॉल बना के उसको पॉजिटिवली चार्ज यानी कि एनोड दे देते हैं। सेम वैसे ही ये जो है इम्प्योरिटीज वाला है प्योर मेटल का, प्योर मेटल क्या है गाइस, कॉपर है, कॉपर का, प्योर कॉपर का एक बहुत ही ज़्यादा थीन हम लोग क्या देते हैं गाइस, एक इलेक्ट्रोड देते हैं जैसे कि ये है, और उसको दे देते हैं चार्ज कैथोड का यानी कि नेगेटिवली चार्ज, ओके। और जो सॉल्यूशन हम लोग लेंगे इसमें, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे गाइस, वो इलेक्ट्रोलाइट इसी का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट कैम सॉल्यूशन होता है, मतलब ये कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ऐसा कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं। अब होगा कि क्या गाइस, याद रखना ये जो है ये इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म, और ये जो है प्योर फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे इस पे इलेक्ट्रिक करेंट सर्किट प्रोवाइड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट जो कॉपर होता है वो क्या होती है गाइस, रिलीज होती है, ठीक है, ये कॉपर रिलीज होती है, और ये कॉपर रिलीज होके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये डायरेक्ट कॉपर कहाँ चला जाता है गाइस, यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ओके। अब जैसे जैसे यहाँ से कॉपर इसमें अटैच होते जाता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है गाइस, एसिड का बढ़ जाता है। अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये जो एनोड है गाइस, ये जो पहले क्या होता है मोटा होता था, ठीक है, मोटा होता है, इसमें से कॉपर मेल्ट होके इस एसिड में आते जाता है, और ये फिर से ये बैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर से क्या होता है गाइस, ये अगेन ये उसमें जाके अटैच होते जाता है। रीज़न देखो, कॉपर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये जो है कैथोड है गाइस, कैथोड है मतलब नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये जो पहले थिन इलेक्ट्रोड था वो धीरे 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 मोटा हो जाता है, और ये जो पहले ठीक इलेक्ट्रोड था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है गाइस, एक सिंगल रॉड और बाद में गायब भी हो जाता है, सिर्फ इम्प्योरिटीज रहती है, और इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है एनोड मड के फॉर्म में, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो ये आपका केमिकल मेथड याद रखना, और इस तरह आपके पूरा ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर किसी एक मेटल को लेकर उसको इम्प्योर करने का मेथड पढ़ेंगे गाइस।